तो इस वीडियो में हम लोग जो यहाँ पे 19-21 सेशन का एक स्टूडेंट जिनका कि यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में 5 नंबर से बैक है और उन्होंने ग्रीवेंस किया हुआ था, तो उनका यहाँ पे फी पेमेंट जो हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर जिन्होंने ग्रीवेंस किया 19-21 सेशन में उनका फ़ी पेमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना, आपको तीसरा लिंक जो बीच वाला मिडिल लिंक है उसको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करने के लिए आ जाएगा, तो आप अपना रोल नंबर जो यहाँ पर फिलअप कर लेते। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको रोल नंबर के साथ यहाँ पर जो है आर वर्ड जो है ऊपर पहले फिलअप करना है, ठीक है। आर जो छोड़ना नहीं है, आर के साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे फिलअप करना। पहले जो था आर यहाँ पे नहीं होता था, सिर्फ रोल नंबर फिलअप होता था, लेकिन इस बार यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो यहाँ पे आपको डालना रहेगा। उसके बाद जो कैप्चा है यहाँ पे उसको चलिए फिलअप कर लेते हैं, 24666। तो देख सकते हैं इसको मैंने डाल लिया। उसके बाद चलिए पे एंड यहाँ पे वेरीफाई एंड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स जो स्टूडेंट का आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ जो अच्छे तरह से फिलअप कर लेना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। और एक यहाँ पे पिन जो है आपको फिलअप करने के लिए मिलेगा। तो पिन में आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, 5 नंबर कोई भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप रख सकते हैं या फिर अपने एरिया का पिन कोड वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं जो कि आपको याद रहे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, तो वेट करते हैं यहाँ पे न्यू पेज ओपन होने का। देख सकते हैं यहाँ पे पेज जो हमारा ओपन हो चुका है, जिसमें कि रेफरेंस नंबर ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट पेज पे चलते हैं, कहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं आप। तो आपके पास यदि डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग हो गया, या फिर वॉलेट वगैरह या UPI पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर UPI के थ्रू पेमेंट करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए मैं यहाँ पर फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट करूँगा। तो फ़ोनपे पेमेंट करने के लिए यहाँ पर फ़ोनपे का नंबर जिस पर आपका फ़ोनपे अकाउंट है उसको आप डालेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने फिलअप कर लिया अपना। उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे जाने के बाद यहां पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे आपको आपका फ़ोन पे नंबर पे जो भी फ़ोन पे ऐप उस पर एक जो आपके यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट आएगा, जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना रहेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं फ़ोनपे ऐप पर और वहाँ पर पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जो वो आया है कि नहीं आया। तो अभी तक यहाँ ऊपर पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा। आप चलिए फ़ोन पे ऐप को ओपन करते हैं और देखते हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट आया है या फिर नहीं आया है। तो ये रहा मेरा फ़ोन पे का ऐप। चलिए यहाँ पे मैं जो है रिक्वेस्ट देखता हूँ कि यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आया है कि नहीं आया है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिक्वेस्ट जो आ चुका है CC एवेन्यू के तरफ से, जिसमें कि 213 रुपये का यहाँ पे नाउ का ऑप्शन है। चलिए यहाँ पे मैं अपना पेमेंट जो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपके सामने आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर OTP जो था वो फिलअप कर लिया है। अब इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और पेमेंट जो देखिए वहाँ पे वेट करते हैं सक्सेसफुल होने का। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट जो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे बैक करेंगे इससे जो हमारा और जो पेमेंट वाला पेज हमारा था CC एवेन्यू वाला, उसको यहाँ पे ऐप का थ्रू हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेज जो वो ओपन हो चुका है। अब वेट करते हैं यहाँ पर पेमेंट का कन्फर्म होने का। तो यहाँ पर आपको बैक नहीं जाना जब तक कि यहाँ पर पेमेंट जो कन्फर्मेशन ना हो जाए। तो वेट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं पेमेंट जो कंफर्म होता है या नहीं होता है। तो वहाँ पे फ़ोन पे के थ्रू जो हमारा पेमेंट था वो कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे वेट कर लेते हैं पेमेंट का यहाँ पे कंफर्म होने का।
तो देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट जो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा जो स्लिप है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो पेमेंट अपना कर सकते हैं, तो कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, आप लोग आराम से पेमेंट कर सकते हैं। बस आप वेट कीजिएगा, पेज को जो है जल्दी से बैक मत कर लीजिएगा, ठीक है। आप वेट कीजिएगा जब तक कि फुल पेमेंट जो, जब तक इस तरह का रिसीविंग आपका डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक आपको जो वेट करना है, ठीक है, बैक नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।